हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सो टुडे डेट इज सेवेंथ जून 2021 तो आज से हमारा यूट्यूब स्टार्ट होने जा रहा है तो कल आठ तारीख नौ तारीख को हमारा एसएसटी का एग्जाम है तो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है आपको तो मैं आपको समझा रहा हूं तो यूट्यूब में यू में आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं जैसे मैं यहाँ कह सकता सकते वट इज अ डेमोसफियर तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है या आ सकते है वट इज अ मैप मैप क्या होता है और इसका यूजफुल क्या होता है मतलब इसका यूजफुल क्या है ग्लोब से ग्लोब ज्यादा इस्तेमाल में आता है या मैप तो इन दो में क्या डिफरेंस है ये भी आ सकता है तो आपको क्या करना है हर एक लेसन में से पढ़ना है जैसे यहाँ शेप ऑफ दर्थ शेप ऑफ द आत में जैसे यहाँ पे एक साइंटिस्ट है उसका नाम लिखने के लिए भी आ सकता है या क्वेश्चन भी आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ मैप तो हमारा मैप पे सबसे पहले हमें कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करना है तो ये भी आ सकता है तो आप, आपको क्या करना है एवरी टॉपिक मस्ट बी रीड तो हर एक टॉपिक आपको क्या करना है पढ़ना है तो जैसे कंपास क्या होता है ओशन एंड कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है हमारे हमारे पास कितने ओशन है स्मॉल ओशन कितने है लार्ज ओशन कितने है ये सारा कुछ आपको पढ़ना है तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है तो आपको यहां दिख रहा है ग्लोब क्या है ये भी आ सकते हैं तो ये टिक क्रॉस भी आ सकता है टिक्रॉस में आपको क्या लिखना है वो लेयर द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इट इज कॉल्ड वो कौन सा लेयर है हवा का जो अर्थ के इर्द गिर्द कवर किया गया है वो कौन सा लेयर है तो आपको क्या लिखना है आपको ना हाइड्रोस्फीयर लिखना है ना बायोसिफियर क्योंकि हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं पानी को ही कहते हैं बायोस्फीयर किसे कहते हैं बायोस्फीयर हवा ही हवा को कहते हैं एंड एटमोसफियर जिसमें बहुत सारे गैस होते हैं जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ये सारा कुछ आते हैं इसे हम क्या कहते हैं एटमोसफियर कहते हैं। तो आपको ऐसे रिविजन करना है हर एक टॉपिक को लेके तो एटमोसफियर क्या होता है तो उसके बाद दूसरा है वी कैन लाइव ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज राइट हम अर्थ पे रहते हैं तो ऐसा क्यों ये क्यों सही है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है तो आपको यहाँ पे टम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी इन तीन में से एक चूज करना है हम अर्थ पे जिंदा है तो ये सही क्यों है बिकॉज ऑफ प्रेशर ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर की वजह से तो ये होता है टी एन क्रॉस अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ का एक मॉडल होता है जिसे हम स्फेयर कहते हैं मैप कहते हैं या ग्लोब कहते हैं ये आपको रिविजन करना है तो ये आ सकता है टू फाइंड डायरेक्शन वी यूज डायरेक्शन को इस्तेमाल करने में हमें किसका मदद ज़रूरत होते है हमें किसका मदद लेना होता है थर्मोमीटर कंपास या रेनग्यो तो हमें क्या करना है इन तीनों में से एक का टिक लगाना है और उसके बाद इसको पता करना है कि डायरेक्शन को मतलब इन तीन इंस्ट्रूमेंट में से कौन मतलब फाइंड करते हैं तो अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर स्कर्ल एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी से उसे हम क्या कहते हैं लेक कहते हैं या ओशन कहते हैं या पॉन्ड कहते हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो फॉल्स तो आप छोड़ो फिलहाल तो क्वेश्चन क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे वाई डज लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ये क्वेश्चन आ सकता है वट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉर्जन एंड कोस्ट तो ये भी आ सकता है वट आर कॉन्टिनेंट राइट द नेम ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट ये भी आ सकता है तो वट इज मैप तो क्वेश्चन आपको सारा कुछ पढ़ना है यूट्यूब के लिए तो इसमें से दो क्वेश्चन आपको आ सकता है तो इनशाला हम कल नया टॉपिक नया लेसन का रिवीजन करेंगे अल्ला इंडिया आज आप क्या करना है क्वेश्चन सारा पढ़ना है ट्रू फॉल्स को छोड़ो फिलहाल टिक क्रॉस को पूरा पढ़ना है और इसमें से आपको थोड़ा पढ़ना है जैसे एंड ओशन कंपास क्या होता है एटमोसफियर क्या होता है शेप ऑफ दर्द क्या होता है ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है तो हैव डे इंशाल्लाह कल मिलते है